दोस्तों बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट 3.0 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रोबोट 3.0 मूवी की शुरुआत 2010 में रोबोट मूवी से हुई थी। इस रोबोट मूवी को एस शंकर द्वारा डायरेक्ट किया गया था और रोबोट मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें रजनीकांत सर, ऐश्वर्या राय और डेनी डेंजोंगपा दिखाई दिए थे। वहीं इस मूवी को म्यूजिक जाने माने सिंगर एआर रहमान ने दिया था और इस मूवी को पहले तमिल में रिलीज किया था और इसके बाद हिंदी और तेलुगु में डब किया गया था। रोबोट मूवी को सन पिक्चर्स के स्टूडियो के बैनर तले 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज किया गया था। इस मूवी को 65 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। रोबोट मूवी इतनी सक्सेस जाने के बाद उनका दूसरा पार्ट बना रोबोट 2.0 मूवी और इस मूवी को डायरेक्ट एस शंकर द्वारा किया गया था। और इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें रजनीकांत सर, अक्षय कुमार और एम एच जैक्सन दिखाई दिए थे। वहीं इस मूवी को म्यूजिक जाने माने सिंगर ए आर रहमान द्वारा दिया गया था और इस मूवी को 29 नवंबर 2018 को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज किया गया था। और रोबोट 2.0 मूवी को पहले तमिल में रिलीज किया था और इसके बाद हिंदी और तेलुगु में डब किया गया था। रोबोट 2.0 मूवी को 100 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया गया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी और इस मूवी को 3D में बनाया गया था। रोबोट 2.0 मूवी भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी और दुनिया में 5वें नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। रोबोट फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट इतने सक्सेस जाने के बाद अब इनके डायरेक्टर उनका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं रोबोट 3.0 मूवी और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं एस शंकर। और इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें दोनों पार्ट की तरह ही रजनीकांत सर दिखाई देने वाले हैं और इसके अलावा सलमान खान सर, कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार दिखाई देने वाले हैं। और इस मूवी को म्यूजिक देने वाले हैं ए आर रहमान सर और इस मूवी को यशराज फिल्म्स के बैनर तले 2022 में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल सलमान खान सर उनकी राधे और मोस्ट वांटेड भाई कभी कभी दिवाली मूवी जैसी मूवी में व्यस्त है। रोबोट 3.0 मूवी को 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी को 2D और 3D में रिलीज किया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इस बार रोबोट 3.0 मूवी को 5 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नाड़ा। सलमान खान सर की रोबोट 3.0 मूवी के अलावा वो कभी कभी दिवाली मूवी लेकर आने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट फरहाद सामजी करने वाले हैं और इस मूवी को प्रोड्यूस सलमान खान सर और साजिद नडियाद्वाला के बैनर तले किया जाएगा और इस मूवी की स्टोरी भी साजिद नडियाद्वाला ने लिखी है। और इस मूवी को म्यूजिक जाने माने सिंगर ए आर रहमान देने वाले हैं। और सलमान खान सर की कभी कभी दिवाली मूवी 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली है। और इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ रितेश देशमुख, कृति सनन और पूजा हेगड़े दिखाई देने वाले हैं और इस मूवी का बजट 100 करोड़ है। दोस्तों आप सलमान खान सर की रोबोट 3.0 मूवी और भी ईद कभी दिवाली मूवी इन दोनों में से कौन से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।